बदमाश का उज्जैन में बताया जा रहा है दो मंजिला अवैध मकान प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया है। बदमाश रोहित जूनवाल के अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। बदमाश पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस और नगर निगम की टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली उज्जैन में, और जब प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से बुलडोजर की मदद से इस मकान पर कार्रवाई करते हुए इसे जमींदोज किया, उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिए। दो मंजिला अवैध मकान तान रखा था बदमाश ने उज्जैन में, जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिए। पल भर में मकान किस तरह से धराशायी हो गया ये देखिए आप तस्वीर। तो जेसीबी और यहां पर कार्रवाई जब प्रशासन की टीम करने पहुंची जेसीबी की मदद से, बुलडोजर की मदद से ध्वस्त किया गया, इसे जमींदोज किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी भूमाफिया या फिर किसी भी तरह का ड्रग कारोबारी बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, प्रदेश में उन सभी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो। प्रदेश के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें मिल रही हैं, तस्वीरें भी आप बंसल न्यूज पर देखते हैं, और ऐसी ही तस्वीर आज उज्जैन से सामने आई। एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में अभी आगे भी और कार्रवाई देखने को मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक जब उनसे बातचीत हुई बंसल न्यूज की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ही हम इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, और लगातार आने वाले दिनों में भी आगे इस तरह की और कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही संकेत दे चुके हैं कि प्रदेश में भूमाफिया जितने भी पनप रहे हैं उन्हें बिल्कुल सरकार छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, और ये उसी का असर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद चाहे इंदौर हो, जबलपुर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, अलग अलग शहरों से आप बंसल न्यूज़ पर इस तरह की तस्वीरें भी देख रहे हैं रोज़ाना, जहाँ पर प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, और ऐसी ही तस्वीर आज सुबह उज्जैन में देखने को मिली।